गाइस कैसे हो आप सब, स्वागत करते हो अपने प्यारे से ब्लॉग में। सो गाइस आज मेरा मन हो रहा था मैगी खाने का, काफ़ी मेरा मन था, बट मैं सोचा मैगी नहीं लूँगी और नहीं खाऊँगी। और कौन मार्केट जाएगा यार, कौन लेने जाएगा, तो कोई नहीं। फिर मेरे एक दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम चावल को भी मैगी की तरह बना लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, हम ले लेते हैं एक मीडियम साइज़ का प्याज और 2 शिमला मिर्च और 6 टमाटर और ये 10 हरी मिर्च। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप और भी मिर्च ले सकते हैं। तो चलिए मैं प्याज काट रही हूँ और ज़्यादा छोटा नहीं काटना है क्योंकि हमें सब्ज़ी नहीं बनानी है, चावल बनाने हैं। तो गाइस ये हमारी सब्जी अच्छे से हो चुकी है और ज्यादा हम इसे पकाएंगे नहीं, ये शाम का इतना ही चावल बचा हुआ था। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा अब ये डाल लेंगे चावल। तो गाइस हमारा ये चावल बनके तैयार हो गया है जो मैगी को भी फेल कर रहा है। अरे बाप रे यार, मैं नमक तो भूल ही गई। कोई नहीं यार, तो आप अपना स्वाद अनुसार नमक डाल लेना पहले ही, क्योंकि मैं तो अभी नमक भूल गई थी। तो मैं अभी नमक डाल रही हूँ और थोड़ी देर और पका लेती हूँ। तो फिर ये मेरा चावल जो है वो तैयार हो गया है और देखिए यार कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। मैगी भी कुछ नहीं है इसके आगे, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना और फिर कमेंट में हमें बताना कैसा लगा। जय कढ़ैया वाले तीन लोगों के रहे कढ़ैया वाले अहिमा कढ़ैया वाले।